अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं iPhone 7 Plus और iPhone X की स्पीड टेस्ट के बारे में। तो आइए, मैं चाहूंगा कि मैं आपको थोड़े से टाइम में ज्यादा से ज्यादा बेहतर रिव्यू दे सकूं, क्योंकि कुछ लोग समझते हैं कि जो iPhone 7 Plus है वो अब जो है इतना चलाने के काबिल नहीं है, मतलब ये अब इतनी ज्यादा कोई गेमिंग डिवाइस नहीं रही। तो गाइज, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो आइए सबसे पहले हम इसकी स्पेसिफिकेशंस के बारे में बात करते हैं। जैसे कि आप लोगों को पता है कि iPhone 7 Plus जो है वो iPhone X से पहले आया था मार्केट में, उसके बाद जो आईफोन एक्स जो है लॉन्च किया गया था। तो गाइस, हम इनके डिस्प्ले के बारे में बात करते हैं। तो इनका जो डिस्प्ले है वो आईफोन 7 प्लस का जो है नॉर्मल है, उसके बाद जो आईफोन एक्स का डिस्प्ले है वो नॉच डिस्प्ले है, और इसका जो 1080p डिस्प्ले है, मतलब इसके जो ऑल LED इसमें यूज़ की गई है, जबकि इसमें जो है वो LCD यूज़ की गई है आईफोन 7 प्लस में, लेकिन अच्छी क्वालिटी की LCD यूज़ की गई है। इसमें कलर्स का कोई इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। और इसके बाद हम इनकी कैमरे की कैमरा लुक के बारे में बात करते हैं। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि आईफोन 7 प्लस की जो कैमरा लुक है वो आईफोन एक्स से थोड़ी सी, मतलब अब जो है वो ओल्ड दिखती है। आईफोन एक्स की जो कैमरा लुक है वो बहुत ही ज़्यादा लाइक की जाने वाली है। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको कौन सी जो लुक है, कैमरा लुक, वो ज़्यादा अच्छी लगी है। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि इवन कि दोनों की जो कैमरा लुक है वो सेम है, इसकी जो है उन्होंने हॉरिजेंटल बना दी है और इसकी जो है वो वर्टिकल बना दी है। लेकिन अब सबसे पहले हम इसको ऑन करके जो इसका जो बूट टेस्ट है वो चेक करते हैं। यहाँ पे मैं इनको कोशिश करता हूँ एक ही वक्त में ऑन करने की। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि मैंने एक ही वक्त में इनको ऑन किया है, लेकिन जो आईफोन एक्स है वो इसकी 7 प्लस की निस्बत बाद में ऑन हुआ है। लेकिन यहाँ पे ही इसकी जो स्पीड टेस्ट है वो उसका हमें पता चलेगा। तो आइए गाइस, हम इसका स्पीड टेस्ट चेक करते हैं कि कौन सा फ़ोन पहले जो है वो विन करता है ऑन होके। तो दोनों फोन्स आपके सामने हैं। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि जो आईफोन 7 प्लस है वो इससे पहले ऑन हुआ है, मतलब कि दोनों के अंदर जो वर्जन है वो सेम है, लेकिन फिर भी आईफोन 7 प्लस जो है वो पहले ऑन हुआ है। और आप लोग देख सकते हैं, मतलब कुछ लोगों को जो नॉर्मल लुक है आईफोन 7 प्लस में जो आईफोन 6 में आई थी वो बहुत पसंद होती है, क्योंकि कुछ लोग जो होते हैं ना थोड़े से बड़े साइज़ के फ़ोन के जो शौकीन होते हैं, लेकिन आईफोन एक्स है उसका जो साइज़ है वो थोड़ा सा आइडियल है, मतलब कि ये इजी होल्ड है, मतलब कि आप इसे इजीली हैंड कर सकते हैं, पॉकेट साइज़ है समझ लीजिए। लेकिन जो आईफोन 7 प्लस है ना वो इससे थोड़ा सा बड़ा है। तो आइए गाइस, हम इसका स्पीड टेस्ट करते हैं यहाँ पे। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे जो फ़ोन है हमारे पास, यहाँ पे सबसे पहले हम इनकी बैटरी हेल्थ के बारे में चेक करेंगे। आईफोन 7 प्लस कुछ पुराना हो गया, मतलब कुछ नहीं बहुत पुराना हो गया, तो इसकी नस्बत जो इसकी 76% बैटरी हेल्थ है और इसकी 86% है बैटरी हेल्थ। तो यहाँ पे अब हम इसका जो है कैमरा टेस्ट करते हैं। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि कैमरे में बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस है, ये जो है वो बहुत ही नेचुरल लुक दे रहा है, और यहाँ पे जो है आईफोन 7 प्लस वो थोड़े डल कलर दे रहा है यहाँ पे हमारे पास। और इसी तरह इसका जो पोर्ट्रेट है हम उसको भी चेक करते हैं। जो आईफोन एक्स का पोर्ट्रेट है ज़ाहिर है वो बहुत ही अच्छा रिजल्ट दे रहा है। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि मैं आपको ठीक करके दिखा देता हूँ कि जो आईफोन एक्स है वो बहुत ही अच्छे कलर्स दे रहा है आईफोन 7 प्लस की निस्बत। लेकिन हालांकि आईफोन 7 प्लस में जो है वो पहले पोर्ट्रेट आया था। तो चलिए अब हम इसका जो है वो पबजी की स्पीड टेस्ट करते हैं, पबजी टेस्ट करते हैं यहाँ पे हम इसका। तो गाइज, यहाँ पे हम दोनों फ़ोन्स की जो पबजी टेस्ट है वो करने वाले हैं। इन दोनों फ़ोन्स को हम ऐसे रख देते हैं यहाँ पे। तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं एक ही टाइम में जो है इसकी वो गेम को ओपन करूँ। तो आइए अब हम इसकी जो पबजी टेस्ट है वो करते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक ही वक्त में जो दोनों की गेम को ऑन कर दिया। आता है इसके अंदर जो है वो A11 की बायोनिक चिप है और प्रोसेसर भी इससे 7 प्लस से बहुत अच्छा है। लेकिन आईफोन में जो है वो रैम डिफरेंस जो है इतना मैटर नहीं करता, क्योंकि इसकी रैम भी जो है वो 3 GB है और इसकी जो रैम है वो भी 3 GB है, मतलब दोनों फ़ोन की रैम हमारे पास 3 GB ही है। तो यहाँ पे मैं इसको जो है वो साइन इन करूँगा ID लगा के। तो गाइस, आज की इस वीडियो में हमने किया आईफोन 7 प्लस और आईफोन एक्स के दरमियान में पबजी टेस्ट और उसकी कैमरा रिव्यू और उसकी स्पीड टेस्ट। तो
अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब भी कीजिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि मैं और भी फ़ोन्स के ऊपर रिव्यू वीडियो बनाऊँ, उनकी स्पीड टेस्ट करूँ, तो आप मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में उन फ़ोन्स के बारे में बताइएगा। मैं इंशाल्लाह ज़रूर उस पर जो है वो बेहतर से बेहतर रिव्यू देने की कोशिश करूँगा। तो गाइज़ अगर मेरी वीडियो में कोई आपको गलती नज़र आई हो तो प्लीज़ मुझे वो भी कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ताकि मैं अगली वीडियो में जो है उसको बेहतर तरीके से इम्प्रूव कर सकूं और आपको अच्छे से अच्छा रिव्यू दे सकूं। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।